हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि हम सबको पता है कि अभी फाइनली 17 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाली थी। बहुत सारे बच्चों ने जो पोस्टपोन करने के लिए अपील किया था कोर्ट में, तो वो अब नहीं हो रहा है। 17 तारीख को ही नीट की एग्ज़ाम होने वाली है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस पर आपको थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो है कि आपको एक प्रॉब्लम आ रहा है बहुत सारे बच्चों को, मुझे जो मेरे फिजिक्स फोरम में जो ऑफलाइन कोचिंग को बच्चे आते हैं, तो वही हो रहा है कि सर बीच में ना कुछ ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल एक डर आता है कि सर मैं मेरा होगा नहीं होगा, क्या करूं सर, मैं बीच में ही सब्जेक्ट चेंज करने का मूड हो रहा है, सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा है। तो उन बच्चों के लिए ये एडवाइस है कि आपको खुद को बिजी रखना है। सो कीप योरसेल्फ बिजी। मतलब अगर ये डर आ रहा है कि मैं सारे फॉर्मूले याद रख पाऊंगा या नहीं, तो वो जाएगा नहीं। मतलब आप कुछ भी कर लो वो थॉट नहीं जाएगा। बट अगर आप खुद को बिजी करते हो, जैसे केमिस्ट्री है, आपको रिएक्शंस लिखने हैं, लिखते हो, वो थॉट है, अभी भी है, आप लिख रहे हो, खुद को फोकस कर रहे हो, खुद को बिजी कर रहे हो, आप लिख रहे हो, ऑटोमेटिकली वो जो थॉट है वो दिमाग से निकल जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया। आप ऐसे मतलब पता है ना आपको कि जब आपको नींद लगती है तो आपको पता नहीं चलता कि आप सो गए। वो प्रोसेस है, वो स्लो हम भूल जाते हैं कि हम कॉन्शियस है ना। बस वैसे तो अगर आपको थोड़ा टेंशन आ रहा है तो खुद को बिजी कर लो, पढ़ना शुरू कर दो डायरेक्ट, तो वो टिप आपको हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों ने, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है। बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बस पढ़ रहे, पेन छोड़ दिया है, पेन रख दिया है। तो उन बच्चों के लिए यह एडवाइस है कि आपको आपकी नेट प्रैक्टिस करते रहनी है। अगर आईपीएल की मैच 2 बजे है तो मुझे बताओ क्रिकेटर्स कितने बजे तक नेट प्रैक्टिस करते हैं। वो ऐसा बोल दे क्या, नहीं बाबा आज सुबह उठ के मैंने प्रैक्टिस की तो मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी और फिर मैं खेल नहीं पाऊंगा। अरे भाई, जो ओपनिंग बैट्समैन होता है ना, जो खेलते ना क्रिकेट, वो 2 बजे मैच है तो 1 बजे तक प्रैक्टिस करते रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपको आपकी नेट प्रैक्टिस, मतलब फिजिक्स है, सॉल्विंग बंद नहीं करनी है, इसको लिख लो, सॉल्विंग बंद नहीं करना है। आप रैंडमली चैप्टर्स निकालो, रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करो अगर आपका सब हो चुका होगा तो, बट स्टॉप मत करो। बात समझ में आ रही है। ओके, नेक्स्ट, कुछ चीजें आपको करनी नहीं है जैसे, और कुछ करनी है जैसे, आपको पानी पीते रहना है, गर्म पानी पियो, ठंडा पानी मत पियो, गर्म पानी पियो। ईट फ्रेश एंड वार्म फूड, ठंडा खाना मत खाओ, ठीक है, अवॉइड करो, गरम करके खाओ, फ्रेश फूड खाओ, ठीक है, इससे एसिडिटी नहीं होगी और आप फ्रेश फील करोगे। ज्यादा मत खाओ, लिमिटेड खाओ, हल्का फुल्का महसूस करोगे आप। ओके, अवॉइड कोल्ड फूड एंड स्पेसिफिक फ्रूट्स लाइक बनाना। मुझे तो प्रॉब्लम होता है यार, मतलब सर्दी हो ही जाती है, तो ऐसे फ्रूट्स जिससे आपको प्रॉब्लम है तो वो मत खाओ प्लीज। ओके, याद रखो। उसके बाद रीड इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। आपको एडमिट कार्ड आ गया होगा तो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली पढ़ो, फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स, कॉलर, नॉन कॉलर, कलर, एडमिट कार्ड पे फोटो। पिछले बार हॉरिबल मेरे सामने मैंने देखा, बारिश गिर रही थी और बच्चे एंट्री कर रहे थे और हॉल्ट उसको रोक दिया गेट पर और वहाँ से उसको घर पर भेजा। वो घर पर किसी को फ़ोन करके उसने मंगवाया, वो ना कुछ तो फोटो कुछ तो रह गया था उसका। गर्ल्स या बॉयज जिसके फुल स्लीव से कट किए, वो अच्छा नहीं लगता है यार, वो मतलब आप कट कर कैसे अजीब लगता है वो, तो क्यों, समझ में आ रहे, इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, ये मेरा कहना है। रीच द सेंटर ऑन टाइम। बहुत बच्चे 2 बजे का पेपर है, 12 बजे पहुंचते, 1 बजे पहुंचते, क्यों, सुबह 10 बजे 11 बजे पहुंच जाओ। एक दिन व्हीकल का इंतजाम करो, कुछ नहीं, रेंट पे लो, दोस्त की व्हीकल लो, कुछ भी करो, पर एक दिन खुद की व्हीकल में ही जाओ, कोशिश तो करो एटलीस्ट। अगर बहुत दूर है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मास्क पहनो। दूसरा, बाहर मत निकलो अभी ज़्यादा, कांटेक्ट में मत आओ लोगों के। थोड़ा भी फील आता है कि थोड़ा सिकनेस आ रहा है, इंस्टेंट डॉक्टर को दिखाओ, इंस्टेंट। ओके, तो बच्चो इतना ही कहना चाहूँगा मैं, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, फॉर्मुलेज पढ़ो, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करते रहो, ठीक है। बस इतना बोलूंगा आपको, फिर से एक बार ऑल द बेस्ट। 17 तारीख को शाम को 6 बजे
ऑनलाइन पेपर डिस्कशन है लाइव और 18 तारीख को ऑफलाइन पेपर डिस्कशन है 11 बजे फिजिक्स फोरम में 11 बजे। ओके चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।